The one day I Hi everyone, welcome to my next vlog. तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी व्लॉगिंग इसकी अनबॉक्सिंग से. ये है व्लॉगिंग किट, इसकी आज अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है. बाकी मुझे पता नहीं कैसे खुलना है, फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ. चलो देखते हैं. इसका कोई यूज नहीं है, इतना इंटेलिजेंट तो हम है. सो ये सब सामान है, ठीक है. ये वॉइस के लिए होता है, ऑडियो के लिए. एंड देन ये ऑडियो का कवर है, वो मैं आपको सेटअप करके प्रॉपर दिखाऊंगा, इससे वॉइस की क्लैरिटी अच्छी आती है. एंड देन ये लाइट है, इससे लाइटनिंग अच्छी हो जाएगी. एंड देन ये तो आपको पता लग रहा होगा, एज यूजुअल ट्राइपॉड. ये दो ऑक्स हैं, पर जैसे अब मैं आईफोन से करता हूँ तो मुझे आईफोन के लिए आगे अडॉप्टर चाहिए होगा, वो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है. एंड देन ये माइक एंड उसको सेटअप करने के लिए फ्लैश को. एंड देन ये है लाइट होल्डर, अब इसकी जरूरत नहीं. चलो अब मैं आपको सेटअप करके ना फटाफट दिखाता हूँ. अभी मैंने सेटअप किया, सो दिस इज हाउ इट लुक्स. सही है यार, लाइक $22 में मोर देन वर्थ है, बहुत सही है. मैं फटाफट केबल भी ले आया, देन मैं आपको लाइट दिखाता हूँ, इसकी बहुत तेज है. वाह, बहुत सही है, वर्थ इट है. बाकी मैं कल इससे ब्लॉगिंग करके देखूंगा, तो फिर मैं आपको रिस्पांस बताऊंगा कैसा है कैसा नहीं है. ओके चलो फिर मिलते हैं आपको सीधा कल, बाय. आज हम जा रहे हैं पेनिनसुला हॉट स्प्रिंग, मतलब वहाँ पे बहुत सारे टब्स होते हैं ऐसे पानी के, बहुत लाइक ओपन ग्राउंड में. एंड देन गर्म पानी होता है, वहाँ रिलैक्स करेंगे. तो मैंने कहा यहाँ पे बस एक और महीने की वो रह गई है गर्मी, एंड देन यहाँ पे ठंड आ जाएगी. तो मैंने कहा जितनी वाटर एक्टिविटीज़ इन्जॉय कर सकते हैं उतनी करते हैं, उसके बाद तो फिर यहाँ पे ठंड आ जाएगी फिर. और यहाँ पे ठंड होती भी कम से कम 8 महीने की है, और गर्मी सिर्फ 3 महीने हार्डली. तो आपको सीधा वहीं मिलते हैं. अभी तो हमने रास्ते में से कॉफ़ी वगैरह लेनी है, कॉफ़ी वगैरह लेते हैं फिर रास्ते में आपको मिलेंगे. अब हमारी कॉफ़ी आ रही है, हिमांशु और गैरी कॉफ़ी लेने गए थे, अभी कॉफ़ी आ गई है. मैं आपको दिखाता हूँ. सिमरन गाना तो गा के दिखा, पंजाबी सॉन्ग गाना ब्रो, गा सिमरन. मेरे दब बत्ती बोर तो रिका, पूरा लिरिक्स बता हमें क्या है. नहीं पूरा नहीं आता, शर्मा क्यों रही है. सिमरन चल तो गाना सुना, चल तो मुझे लिरिक्स आती नहीं है. चल सुना दे, जितना यार पूरा दिन तो घर पे गाती रहती है वो, तो हमें बता. तू अपना लिरिक्स बना दियो, सुना. चल मेरे कौन सा तो वो वाला गाना लगा देते हैं. गा नहीं नहीं गाना ही यही गाना. हां असली रोज सुनते हैं ब्रो, मैं रोज फोन पे सुन सुन के पक गया हूं. नाल पढ़ पढ़ के गाऊंगी. हां एक मिनट, लिरिक्स पढ़ दिया है एप्पल म्यूजिक पे, फिर गांधी हाल तक ही याद नहीं होया. यार ये यही होता है हाल जब गुजराती पंजाबी गाने गाते हैं. ती बोर थल्ले काले कार ओ नहीं यार ऐसे ऐसे करे अब तेरे को पढ़ के भी नहीं गाना आ रहा. ओ ब्रो प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हो वर्ड नहीं सी बैठे पंजाबी है ना मुंडे उठते नहीं दिन दिन लंदी मिनटों में भाई गुजराती में गा देना ये गाना. तू हरियाणवी में गा के दिखाइयो ब्रो, जो तू अपने वर्ड बनाती है वो. यार तू चुप कर, तेरे से हमने मांगा सजेशन. अभी हम थोड़ी हवा वगैरह हवा भरनी है हमने गाड़ी में, अभी हवा भर रहे हैं. तो हम सर्विस स्टेशन पे रुके हैं, पेट्रोल हमने ऑलरेडी डलवा लिया था, तो हवा वगैरह चेक कर रहे थे. एंड देन बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला, लाइक अराउंड 30 मिनट्स में वहाँ पे पहुंच जाएंगे. और फिर अब सीधा आपको वहीं पे मिलते हैं. चलो भाई पहुंच गया हूँ, अब गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं. फाइनली पार्किंग में मिल गया, सारा फुल है वैसे तो. ओके लेट मी चेक. क्या हुआ सिमरन, मेन रिसेप्शन. तुझे तो सब कुछ पता था यहाँ पे.
इधर तेरे को फिर से वापस आया हम इसकी वजह से, ये अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट बन रही थी, पर इसको तो कुछ अता पता नहीं है जगह का। चलो भाई चेक इन करते हैं, अब अंदर चलते हैं। फिर हमारे पास मास्क नहीं है किसी के पास, तो हमें पहले मास्क लेने हैं यहाँ पे। अभी हम टिकट्स वगैरह का सॉर्ट कर रहे हैं सब कुछ। ये लॉकर के पास है, बैग्स वगैरह रखेंगे हम सारे। ये सारे हमारे बाथरूम, सबको अपने लॉकर्स भी मिल गए, सबको अपने बाथरूम भी मिल गए। अब हम लॉकर में सामान रखते हैं, सारों ने अपने अपने बाथरूम डाल लिए, थोड़ी थोड़ी स्नैक्स सब ने कर ली। मेरा भी जूस आ गया फाइनली। इतना गर्म पानी है, कैसा लग रहा है भाई? भाई मज़ा आ रहा है, जन्नत है इसी जगह। गर्म बहुत है ना, बस यही चाहिए था। वैसे व्यू बहुत सही है, 10-10 मिनट रुक सकते हैं सिर्फ हम हर एक पूल में। देखो हिमांशु तो ऐसे बैठा हुआ है, हिमांशु को कब्जी होगी। गैरी तो हाथ कहाँ पे रख के बैठा हुआ है? गैरी क्या छुपा रहा है? उसका उसका ना अपने आप हाथ चला जाता है। ये है दूसरी लोकेशन, तो प्रॉपर एक केव बना हुआ है। ये सही है जगह, ये है रिलैक्सिंग जगह एकदम, बहुत सही है। और इससे मेरा ज्यादा फोटो शूट हो रहा है। ये वाला तो कुछ ज्यादा ही ठंडा, बाकी यहाँ पे सबकी बॉडी सुन्न हो चुकी है। ये ये पिज्जा तो पता भी नहीं लगा कहाँ पे गया। ये हमारी फाइज आ गई है, इन सबका खाना अभी आ रहा है सबका। वो दानिश ले जा रहा है, और भी आ गया सबका खाना। हमारा सारा डन हो गया है, इसके बाद हम दोबारा जा रहे हैं, अब शायद जकूजी में जाएंगे। और वो अभी जो मैंने पे, ये भी हमारे साथ लंच करने आई है, पर ये तब आई है जब हमने अपना खाना खा लिया। चलो अब हम जा रहे हैं जकूजी। हाँ हमें सही लग रहा है, सही लग रहा है ना, रिलैक्स फील हो रहा है। तो यहाँ पे आधा घंटा बैठ के ये दानिश का चौथा गिलास है, इतना खा रहा है, इतना पी रहा है, फिर करता है बदला। खाओ पियो मजे करो, बात यही है। ये नहीं कि मोटे मोटे हो जाए, क्यों नहीं होगा, फिर तेरे को गोली नहीं मिलेगी। तू कह रहा मिलने की क्या जरूरत, ऑलरेडी है। ओ सैवेज। हम यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं और सिमरन अपने एज यूजुअल पागलों की तरह फोटो खींचे जा रहे हैं। हाँ ये लास्ट रह गया बस, इसके बाद हम जा रहे हैं घर। और यहाँ से बहुत सुंदर है सारा कुछ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। दिनेश क्वाक क्वाक ये दानिश और मेरा सस्ता पेडिक्योर। आइसक्रीम में जाएंगे अभी। यहाँ पे तो पूरा फ्रीज है। कितने मिनट खड़े होने हैं यहाँ पे? दो मिनट, दो तीन मिनट। उसके बाद? एटलीस्ट। उसके बाद? उसके बस इधर नॉर्मल। खड़े नहीं हो जा रहे तो खड़ा कैसे है यहाँ पे? मुंह मत कर, खड़ा रहे। ठीक है। मुंह मत कर। पैर फ्रीज हो रहे हैं यहाँ पे तो। उसका रहे कि यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। इन दोनों की पटकी, इन्होंने तो चप्पल डाल दी। हम दोनों ऐसे ही खड़े हैं। कुछ नजर ही नहीं आ रहा। चलो भाई हमारा ट्रिप यहाँ पे खत्म होता है, बहुत इंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, होप यू गोना लाइक इट। इफ यू गोना लाइक इट प्लीज, क्या कर रही है। If you like it, then hit like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.